मुनावर फारूकी और सुरेश राय का गाना आना था ना, वो आ चुका है कुछ यादें वीरल ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पे। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस गाने को नहीं देखा है ना, तो यार बहुत ही बुरा किया है। जल्दी जल्दी जाओ और इस गाने को देखो। सीरियसली ये गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मतलब कि जो लोग ना बहुत ही इमोशनल हैं, और मतलब कि कभी ऐसा नहीं है कि कभी मतलब कि ब्रेक हार्ट हुआ हो, और फिर भी मेरे जैसे लोग हमेशा थोड़े से ऐसे सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, थोड़े मेलोडी से सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं जिसमें मीनिंग हो, वो सब चीज़ें सुनना पसंद करते हैं, ऐसा ही ये गाना है। मुनावर फारूकी जो है इस गाने के आधे में आते हैं, पर भाई किलर बोला मुनावर फारूकी ने। एक एक उनके जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है इस गाने में। मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा अच्छा ये गाना। ऐसा नहीं है कि इसमें मुनावर फारूकी है इसीलिए लगा, पर मैं आप लोगों को यही बात बोल रही हूँ कि मेरे जैसे लोग जो है ना मीनिंगफुल गानों के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो ये गाना इतना ज़्यादा मीनिंगफुल है, इतना ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। सुरेश राय है इस गाने में, इनकी आवाज़ है, और सिद्धार्थ सिंह का जो है म्यूज़िक उन्होंने दिया है इसमें। और देखा जाए तो जैसे कि मैंने इस गाने के बारे में आप लोगों को बताया था, इस पोस्टर के बारे में आप लोगों को बताया था, मैंने बताया था कि भाई ऐसा लग रहा है कि अमीर एक लड़का है यानी कि सुरेश राय, और साथ में जो है बहुत ही अच्छा दोस्त है मुनावर फारूकी, और इन दोनों को एक लड़की से प्यार हो चुका है। अभी भाई ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी है, मैंने अपना पुराना दिमाग जो है वो यूज़ कर लिया था। ये कुछ अलग ही है। दो लव स्टोरी जो है इसमें दिखाई गई हैं, जैसे तेरी यादें जो है मुझे जीने ना दे, और तेरी यादें जो है कुछ मुझे ज़िंदा रखे। ये जो वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए इसे गाने का नाम ना कुछ यादें जो है वो रखा गया है। और मुनावर फारूकी ने इसमें एक एक बात बोली है कि भाई अब ना मुझे शीशे में अपने आप को ना देखने का भी मन नहीं करता, अकेले को धूल लग रही है। तेरे नाम पे जो है मैंने दिन कर दिया है, रातें मेरे नाम पे हो चुकी हैं, और मैंने अपने आप से ही लड़ाई कर ली है। मुझे खाली पिल्लो सताता है, अब मुझे जो है दुख जो है वो सताता है, मैं बस उसी को खा रहा हूँ, भूख तो मुझे लगती नहीं है। काफ़ी अच्छा, बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री जो है नज़र आ रही है, दोनों कपल की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री जो है नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छी लोकेशन सेट की है, बहुत ही प्यारा म्यूज़िक है, यानी कि अगर भाई मैं बात करूँ तो बहुत ही प्यारा गाना है उन लोगों के लिए जो लोग मीनिंगफुल वर्डिंग को सुनना पसंद करते हैं मेरे जैसे। तो आप लोग भी अगर मीनिंगफुल वर्डिंग को सुनना पसंद करते हैं, भाई जल्दी जाओ और इस गाने को देखो। इस गाने को आए हुए जो है एक घंटा हो चुका है, इस चैनल पे जो है 13 मिलियन सब्सक्राइबर है, बहुत ही बड़ा ये चैनल है। और अभी व्यूज़ के बारे में अभी क्या बात करें, पहले आप लोग जाके देख के आइए और व्यूज़ बढ़ाइए, और उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। आज तो पूरा दिन इस गाने के बारे में बात होने वाली है।